किसी को कहना ना पड़े, अम्मी और अबू को कहना ना पड़े कि बेटा सेल फोन छोड़ दो। मैं खुद, मुझे पता हो कि मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, तो मेरे हाथ में सेल फोन नहीं होना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्फिंग करके अपना वक्त जाया कर देते हैं। तो अपने आप को प्लान करना है। जब तक प्लान नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है वो अपनी सही सिर्फ की तरफ गामजन नहीं हो सकते। तो मोबाइल फोन नो डाउट एक बहुत बड़ी सहूलत है आज के दौर में, लेकिन ये आपकी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है स्टडी से। तो इसको बाय गॉड जो है वो प्रॉपर यूज करें और 40 मिनट्स टाइम रखें कि मैंने 40 मिनट्स बुक्स नहीं पढ़नी, मैंने सेल फोन यूज करना। 40 मिनट्स आर इनफ। जब आपके हाथ में बुक्स आ गई हैं तो फिर सेल फोन का कोई काम नहीं, क्योंकि सेल फोन रखने से आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी और आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। नंबर वन। नंबर टू के अक्सर देखा गया है, कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा बच्चों, ताकि आप कल को जब ज्वाइन करें तो आपको पता हो कि मैंने करना क्या है। अक्सर ये होता है कि हम क्लास रूम डिपेंडेंट होते हैं टीचर्स के ऊपर, कि भैया हमने ये लेसन जो है टीचर्स ने पढ़ाए ही नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको पढ़ना ही नहीं है। आपने हमेशा टीचर्स से आगे बढ़ना। जो लेसन टीचर्स ने पढ़ाना है उस लेसन को आप प्री प्लान कर लें, उसको पहले पढ़ लें, खुद से रीडिंग कर। उसका फायदा क्या होता है कि जब आप टीचर्स के लेक्चर को सुनेंगे तो उस लेक्चर को आप बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वह नहीं कि आप रॉ हैंडेड बैठे और आपको जो है उसकी समझ ना आए, आप उसको पहले पढ़ें। अगर इंग्लिश का कोई लेसन है तो उसको उसकी प्री रीडिंग कर लें। प्री रीडिंग करने से क्या होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं लेसन को, तो जब टीचर उसका लेक्चर देगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये एक मेथोडोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करके देखिएगा। पूरे सेशन के अंदर आपको कॉलेज लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए। मैं देखता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि टीचर्स ने ये लेक्चर दिए ही नहीं, कि मेरा टेस्ट ठीक नहीं हुआ, तो ये है वो है, मतलब बंदा अपनी खुद आप छुट्टियाँ करते हैं और टीचर्स पर मलबा डाल दिया जाता है। देखिए टीचर टीचर है, टीचर इसलिए टीचर है वो आपसे ज़्यादा जानता है। हमारे यहाँ मोरालिटी का लेवल इतना गिर चुका है कि उस्ताद को